हेलो फ्रेंड्स दिस इज सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे प्यारे दोस्तों बात करेंगे आगरा यूनिवर्सिटी बी एड सेकेंड ईयर में जो आपका सेकेंड पेपर है अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग इसके सुपर हंड्रेड एम सी क्यूज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम आपका बिल्कुल सर पर आ गया है यानी कि अट्ठारह तारीख से आपकी परीक्षा शुरू है देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कहता है आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं क्या कहलाता है मूल्यांकन मापन आकलन या फिर परीक्षण कहा जाता है चार ऑप्शन आपके सामने राइट right, क्या हो जाएगा आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण की, की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं उसे मूल्यांकन कहा जाता है क्या कहा जाता है मूल्यांकन कहा जाता है आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है विस्तृत है संक्षिप्त है वृहद है या फिर ये सारे ही जो है आकलन मूल्यांकन की हैं। देखिए आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रक्रिया आपकी संक्षिप्त होती है कैसी होती है संक्षिप्त होती है आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है ये किसी भी वस्तु को डिफाइन कर चयन रचना संग्रहण विश्लेषण व्याख्या और सूचनाओं को का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास और अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है यह कथन किसका है यह कथन आपका इरविन का है सीधी सी बात है किसका कथन है इरविन का कथन है आकलन का प्रकार है देखिए समय आपके पास सिर्फ अठारह से पेपर है और आज बारह तारीख हो गई है कहने का मतलब है तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ठीक है पाँच दिन आपके पास बचते हैं सब्जेक्ट भी आपके पास पाँच हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों हमको पढ़ाना है इसलिए हम आ, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे ताकि हम सबको कवर कर पाएँ ठीक है देखिए आकलन का प्रकार है आकलन का प्रकार क्या है आकलन का प्रकार आपका योगात्मक आकलन भी होता है उभनिष्ठ आकलन भी होता है फॉर्मेटिव आकलन भी होता है तो ये सभी आपके आकलन के प्रकार हैं ठीक है थीके? यदि समय होता तो डिस्कशन जरूर करते आकलन का क्षेत्र क्या है देखिए इसके माध्यम ये हमारी क्लासेज के माध्यम से आपका रिविजन अच्छा हो जाएगा आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में जी हाँ बिल्कुल गुणवत्ता का निर्धारण करने में भी आकलन का यूज़ होता है अनुसंधान करने में तो इन सभी तरीके से ये सभी जो है आपके आकलन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अधिगम में आकलन किसके किस, किस लिए आवश्यक होता है अधिगम में आकलन ग्रेड एवं अंकों के लिए जांच परीक्षण के लिए प्रेरणा के लिए या फिर पृथ्क्रमण श्रेणीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए देखिए अधिगम में जो आकलन किया जाता है उससे हम छात्र को इंस्पायर भी कर सकते हैं यदि वो अच्छा कर रहा है तो उसको और ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं यदि वो बैक जा रहा है तो उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत जो है वो आपका प्रभावी पृष्ठपोषण छात्र सहभागिता शिक्षण नियोजन ये सभी आपके प्रमुख सिद्धांत होते हैं अध्ययन के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत जो है ये सभी हैं चाहे वो प्रभावी पृष्ठपोषण हो छात्र सहभागिता हो या फिर शिक्षण समायोजन हो अगला क्वेश्चन कहता है सीखने के लिए सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसका ध्यान है सिवाय छात्रों की आवश्यकताओं के सिवाय छात्रों की त्रुटियों के सिवाय छात्रों की अधिगम शैलियां या फिर छात्रों की क्षमताएं सीखने के लिए आकलन जो है वह छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है ठीक है सिवाय त्रुटियों शैलियों और क्षमताओं के आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कहता है मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है मापन का सबसे ऊंचा स्तर आपका अनुपात स्तर माना जाता है मापन का सबसे ऊँचा स्तर अनुपात स्तर माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इस नैदानिक थर्मामीटर का उदाहरण क्या हो जाएगा नैदानिक थर्मामीटर का उदाहरण आपका सम अंतराल मापनी का जो उदाहरण है यह आप, आपका नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है सम अंतराल मापनी ओके okay? नैदानिक थर्मामीटर का उदाहरण है कौन सा सम अंतराल मापनी किसी किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है अनुपात मापनी में आपका वास्तविक शून्य बिंदु होता है तो कहता है सहकर्मी आकलन है सहकर्मी निष्पादन का आकलन जो होता है सहकर्मी सह निष्पादन का आकलन सहकर्मी आकलन के अंतर्गत आता है यह परिभाषा किसने दी है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है किसकी डेफिनेशन है यह गुड्स की डेफिनेशन है किसकी डेफिनेशन है गुड्स की डिफिनेशन है ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर। किसने कहा मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है ऐसा कौन कहते हैं ऐसा जेपी गिलफोर्ड कहते हैं किसने कहा जेपी गिलफोर्ड ने कहा मापन की भूमिका है किसमें है मापन की भूमिका आपकी वस्तुओं को संख्या प्रदान करने में भी है घटना को संख्या प्रदान करने में भी है नियम के अनुसार संख्या प्रदान करना भी मापन की भूमिका है इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट वन ओवर हेयर मापन का जो कॉन्सेप्ट है इनमें से किससे संबंधित है मापन का जो कॉन्सेप्ट है वह आपका वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करने से संबंधित है ठीक है मापन का मतलब क्या है वस्तुओं और पदार्थों को संख्या प्रदान करना आगे बढ़ते हैं देखिए मापन और मूल्यांकन में आपको अंतर बताते चलें मापन और मूल्यांकन देखिए मापन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप आ, मार्केट गए टेबल खरीदने के लिए क्या ख़रीदने गए आप टेबल लेने जा रहे हैं पढ़ने के लिए ठीक है टेबल की आपको ज़रूरत है आपने ये देखा कि जो टेबल है वह कितने रुपए की है ठीक है टेबल की लंबाई कितनी है टेबल की चौड़ाई कितनी है टेबल की ऊंचाई कितनी है ये जो आप देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, पैसा ये सब आप उसका मापन कर रहे हैं ये सभी मापन के अंतर्गत आता है लेकिन जब आप ये देखते हैं कि जो टेबल है वह किस लकड़ी की बनी है उसकी मजबूती कितनी है वह किस किस काम आएगी क्या हमारा उस पर क्या वो हम स्टडी टेबल के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाए तो क्या चार आदमी बैठ के खाना खा सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इस पर अपना लैपटॉप वगैरह रख के काम कर सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं ये सब चीज़ें जब आप देख रहे हैं कि लकड़ी किस लकड़ी की बनी है किस किस काम में ये आ सकते है ये आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं ये, ये क्या कर रहे हैं ये आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं यही होता है अंतर्मापन और मूल्यांकन में मूल्यांकन होता है मूल्यांकन जो है वह आपका गुणात्मक गुना, एवं मात्रात्मक होता है अगला क्वेश्चन कहता है सतत शून्य बिंदु विद्यमान रहता है सतत शून्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में कहाँ विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में विद्यमान रहता है आकलन का परिमाणात्मक उपकरण है आकलन का परिमाणात्मक उपकरण आपका परीक्षा मापनी निर्धारण मापनी ये सभी जो हैं वह आकलन के परिमाणात्मक उपकरण के अंतर्गत आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे उच्च स्तर का मापन पैमाना माना जाता है नामित क्रमित अंतराल या फिर अनुपात चार ऑप्शन आपके सामने हैं राइट क्या रहेगा सबसे उच्च स्तर का जो मापन पैमाना है वह आपका अनुपात पैमाना माना जाता है सबसे उच्च स्तर का मापन पैमाना मापन मापन पैमाना कौन सा माना जाता है अनुपात मापन कौन अनुपात मापन इप्सैप्ट्यू मापन शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने किया था तो इसेप्टिव मापन शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले रेमंड कैटल ने किया था किसने किया था रेमंड कैटल ने किया था मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है यह कथन किसका है यह कथन आपका एस एस स्टीवेंस का है एस एस स्टीवेंस का है यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी यह कथन किसका है यह कथन आपके रॉस का है किसका है यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी यह कथन रॉस का है अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कहता है मापन की क्या विशेषता है देखिए मापन की विशेषता क्या है आंकिक स्वरूप वैज्ञानिक प्रगति का मूल आधार निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव या फिर उपरोक्त सभी तो मापन की सभी विशेषताएं आंकिक स्वरूप वैज्ञानिक प्रगति का मूल आधार निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव ये सभी मापन की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं अगला क्वेश्चन कहता है जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों मानसिक गुणों एवं मनोवृत्तियों को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं उसे मानसिक या सामान्यकरण मापन कहा जाता है क्या कहते हैं उसे मानसिक या सामान्यीकरण मापन कहा जाता है अगला क्वेश्चन कहता है जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती है उसे इप्सेप्टिव मापन कहते हैं क्या कहते हैं उसे इप्सेप्टिव मापन कहते हैं जिस मापन में व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है उस मापन को क्या कहा जाता है जिस मापन में व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है उस मापन को इप्सेप्टिव मापन कहा जाता है क्या कहा जाता है इप्सेप्टिव मापन कहा जाता है ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा इप्सैप्टिव मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था इक्सेप्टिव मापन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड कैटल ने किया था किसने किया था रेमंड कैटल ने किया था मापन का काम क्या है देखिए मापन का काम भविष्यवाणी करना भी है जब हम मापन कर लेते हैं तो पता लग जाता है कि आगे भविष्य में बच्चा कितना अच्छा कर सकता है हम तुलना कर सकते हैं आविष्कार है करने के लिए इन सभी कार्यों के लिए सभी कामों के लिए हम मापन का क्या करते हैं ये सभी मापन के कार्य हैं क्या हैं ये सभी मापन के कार्य हैं शिक्षण में मापन का उपयोग किया जाता है किस लिए एडमिशन के लिए या फिर पार्टीशन करने के लिए कंपैरिजन के लिए या फिर ऑल ऑफ द तो शिक्षा में जो मापन किया जाता है उससे एडमिशन के लिए भी किया जाता है पार्टीशन के लिए यानी कि अलग अलग वर्ग में रखने के लिए बच्चों को है ना कंपैरिजन इन सभी कार्यों के लिए शिक्षण में मापन जरूरी है अगला क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन किसी मूल्य का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है यह कथन आपका किसका है डांडेकर का है किसने कहा डांडेकर का स्टेटमेंट है अगला क्वेश्चन आकलन के कुल पैमाने कितने हैं आकलन के कुल पैमाने आपके चार हैं आकलन का सबसे निम्न स्तर का पैमाना कौन सा है नामित मापन जो है यह आकलन का सबसे निम्न स्तर का पैमाना है ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हेयर सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सतत मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार होना चाहिए सतत मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार होना चाहिए ऑप्शन सी राइट वन ओवर हियर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सत्र के अंत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है यानी कि पूरे सत्र पूरे सत्र का समापन होने पर अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं वह आपका संकलनात्मक मूल्यांकन होता है वह आपका संकलनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है विज्ञान में मूल्यांकन क्या करता है विज्ञान में जो मूल्यांकन है वह पूर्णतया वैज्ञानिक और बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए विद्यार्थी के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए केवल विषय व कॉन्सेप्ट्स को शामिल करें और प्रक्रिया व अभिवृद्धि छोड़ दें सभी क्रियाकलापों को इंटीग्रेट भाग होना चाहिए देखिए विज्ञान में जो मूल्यांकन है उसमें सभी क्रियाओं को एक साथ मिला करके के मूल्यांकन करना चाहिए यानी कि एकीकृत भाग होना चाहिए मूल्यांकन अनुरूप है किसके अनुरूप है मूल्यांकन आपका विधि के अनुरूप है ठीक है मूल्यांकन के प्रकार क्या क्या हैं मूल्यांकन के प्रकार आपके इसमें देखिए परिमाणात्मक भी होता है मूल्यांकन और गुणात्मक भी होता है है ना पहले ही बताया तो मूल्यांकन जो है वो आपका परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हेयर अगला क्वेश्चन कहता है परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल हैं मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा प्रयोगात्मक परीक्षा या फिर उपयोग तो सभी परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में आपकी मौखिक परीक्षा भी आ जाती है लिखित परीक्षा भी आ जाती है और प्रयोगात्मक परीक्षा भी आ जाती है इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं आंकिक चीज़ों को गुणों को इन दोनों को या फिर इनमें से कोई भी नहीं परिमाणात्मक मूल्यांकन में हम आंकिक चीजों को मापते हैं किसको मापते हैं आंकिक चीज़ों को हम परिमाणात्मक मूल्यांकन में आंकिक चीजों को मापने का काम करते हैं फिर क्वेश्चन कहता है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ था कब हुआ था तो यह 1960 के बाद में प्रारंभ हुआ भारत के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य 1960 के बाद में प्रारंभ हुआ था यह कथन किसका है मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है यह कथन किसका है यह कथन एडम्स का है किसका है एडम्स का है फिर क्वेश्चन फोर्टी 44 कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है सभी विषयों का मूल्यांकन करना या सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन क्या हो जाएगा इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तत्पर है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका राइट हो जाता है आगे नेक्स्ट नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है देखिए मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आपका शैक्षिक उद्देश्य भी आता है अधिगम अनुभव भी आता है व्यवहार परिवर्तन भी आ जाता है तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा बच्चों का जो मूल्यांकन है वह सतत और व्यापक होना चाहिए बच्चे का मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है मूल्यांकन का उद्देश्य है निर्णय करना मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है निर्णय लेना निर्णय करना शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना ठीक है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना अगला क्वेश्चन कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है यह सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस बात पर बल देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस बात पर बल देता है ऑप्शन बीस में आपका राइट रहेगा निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है मानक निर्माणात्मक योगात्मक या फिर सी सी ए तो इसमें आपका जो मानक है यह मूल्यांकन का प्रकार नहीं है कौन मानक मूल्यांकन के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है शिक्षण अनुभव जो है यह आपका मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है अंतराल तापमान का मापन का, का जो उदाहरण है वह आपका अंतराल हो जाएगा अगला क्वेश्चन कहता है घड़ी का समय जो है वह किसका उदाहरण है घड़ी का समय आपका अंतराल मापनी का उदाहरण है घड़ी का समय अंतराल मापनी का उदाहरण है रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है रो का प्रयोग मापन के क्रमिक स्तर पर किया जाता है रो का प्रयोग मापन के क्रमिक स्तर पर किया जाता है अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक मूल्यांकन होता है संरचनात्मक मूल्यांकन आपका प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है संरचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये शुरुआत में बार बार किया जाता है मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना ही मूल्यांकन कहलाता है ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर अगला क्वेश्चन कहता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन आपका बहुआयामी होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन कैसा होता है बहुआयामी होता है सभी अंकगणितीय संक्रियाएं किस मापन में की जाती हैं सभी अंकगणितीय संक्रियाएं जो हैं वह आपकी अनुपात मापन के अंतर्गत की जाती हैं अनुपात मापन में की जाती हैं निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है छात्रों में एकता बनाना शिक्षण माप मापदंड निर्धारित करना छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना या फिर छात्रों की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है तो इसमें छात्रों में एकता बनाना मूल्यांकन का काम नहीं है ठीक है छात्रों में एकता बनाना मूल्यांकन का काम नहीं है बाकी चाहे शिक्षण मापदंड निर्धारित करना हो या छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना हो विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करने के लिए तो ही हम मूल्यांकन करते हैं अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का काम क्या है शिक्षक छात्र के व्यक्तिगत के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं मूल्यांकन के माध्यम से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य प्रिनात्, परिणात्मक परि भी होता है निदानात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है ये सभी आपके क्या हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं मूल्यांकन का प्रकार जो है वह किस तरीके का होता है मूल्यांकन का प्रकार आपका लिखित भी होता है मौखिक भी होता है इंटरव्यू के माध्यम से भी मूल्यांकन किया जाता है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू किया गया छात्रों द्वारा शिक्षकों का जो मूल्यांकन है वह उन्नीस में शुरू किया गया कब कुछ शुरू किया गया 1920 में मूल्यांकन शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु किस प्रकार का कार्य करता है मूल्यांकन शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए पुनर्बलन का, का काम करता है किसका काम करता है यह पुनर्बलन का काम करता है छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी किसके द्वारा की गई थी यह महरोत्रा समिति के द्वारा की गई थी छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की जो सिफारिश है वह महरोत्रा समिति के द्वारा की गई थी ओके आगे बढ़ते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है कौन निदानात्मक मूल्यांकन जो है या सतत व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक मानी जाती है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है यह कथन गुड्स का है किसका है यह कथन गुड्स का है ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हेयर अगला क्वेश्चन कहता है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन जो है वह आपस में संबंधित हैं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं आकलन मापन मूल्यांकन ये तीनों ही आपस में परस्पर संबंधित हैं अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है मूल्यांकन मापन दोनों कोई नहीं कौन है जो परिणाम केंद्रित है तो जो मूल्यांकन है वह परिणाम केंद्रित है किस पर परिणाम केंद्रित है मूल्यांकन अगला क्वेश्चन कहता है शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है यह कथन किसका है शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है यह कथन डॉक्टर पटेल का है किसका है यह कथन डॉक्टर पटेल का है ऑप्शन बी इज द राइट वन मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है ऐसा किसने कहा ऐसा डांडेकर ने कहा किसने कहा डांडेकर का स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है देखिए स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना यह जो है बाकी विकल्पों से रिलेट नहीं करता है कैसे नहीं करता है देखिए प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना प्रश्नोत्तरी परिचालित करना स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना तो इसमें से ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन एक अन्य विकल्पों से रिलेट नहीं करता तो ऑप्शन जो डी है यह आपका बाकी जो ऑप्शन है उनसे रिलेट नहीं करता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है जो अच्छा परीक्षण होता है उसमें वैधता होती है विश्वसनीयता होती है व्यापकता होती है लेकिन कठिनाई उसमें नहीं होती यह अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान बनाम आता है वह क्या कहलाता है वह विश्वसनीय जो है क्या कहलाता है वह विश्वसनीय कहलाता है परीक्षण ठीक है जिसको बार बार चेक करने पर भी समान रिजल्ट आता है उसे विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है तो वह आपका क्रियात्मक पक्ष जो है यह शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया था क्रियात्मक पक्ष का विकास बी एस ब्लूम के द्वारा किया गया था किसके द्वारा बी एस ब्लूम के द्वारा किया गया था व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बना करके व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे वस्तुनिष्ठ बना करके किसके लिए उसे वस्तुनिष्ठ बना करके कम की जा सकती है परिवर्तन त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक क्या कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ बना करके परिवर्त्य त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक वस्तुनिष्ठ बना करके क्रिया सूचक शब्द जो है प्रत्याश्मण आता है यह बोध में आता है क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण जो है वह बोध में आता है किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं तो जो संरचनात्मक और असंरचनात्मक प्रकार की प्रश्नावली होती है इन दोनों में ही क्या होता है कि प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं पहले से निर्धारित होते हैं मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं मानव व्यवहार मनोवैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं वह मानव के व्यवहार को मापते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण बी एस ब्लूम के द्वारा किया गया था बी एस ब्लूम के द्वारा किया गया था अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है उसकी जो है वैधता विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये अच्छे मापन या अच्छे उपकरण की कसौटी है इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी है क्या हो जाएगा इसमें आपका उपयोगिता उपयोगिता एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी है मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंत क्रिया की एक प्रक्रिया है यह कथन किसका है गुडे एवं हॉट का परीक्षा प्रविधि है देखिए क्वेश्चन कहता है परीक्षा प्रविधि है मौखिक प्रायोगिक लिखित या उपयोग सभी तो यहाँ पे परीक्षा प्रो जो प्रविधि है वो आपकी मौखिक भी होती है प्रायोगिक भी होती है और लिखित भी होती है इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन उपकरणों के वर्गीकरण का आधार है उपकरणों के वर्गीकरण का आधार दो है ठीक है उपकरणों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंत क्रिया की एक प्रक्रिया है यह कथन गुडे एवं हार्ट का है साक्षात्कार अगला क्वेश्चन कहता है साक्षात्कार का अर्थ आधार क्या है देखिए साक्षात्कार संरचना का आधार औपचारिकता का आधार उद्देश्यों का आधार ये सभी आपके साक्षात्कार के आधार के रूप में काम करते हैं अनुसूची का प्रकार है आपकी अवलोकन अनुसूची भी होती है प्रलेखन अनुसूची भी होती है और साक्षात्कार अनुसूची भी होती है इसलिए ये सभी जो हैं वो अनुसूची के प्रकार हैं ने अनुसूची के सात प्रकार बताए हैं निरीक्षण का प्रकार क्या है नियंत्रित निरीक्षण स्वाभाविक निरीक्षण ये दोनों ही आपके निरीक्षण के प्रकार हैं अगला क्वेश्चन आकलन उपकरण की कितनी कसौटियां हैं आकलन उपकरण की आपकी दो कसौटियां हैं आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी में आपका मानकीकरण विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये सभी आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी के अंतर्गत आ जाते हैं अमानकीकृत पद का प्रकार है अमानकीकृत पद में प्रत्याशन पद और प्रत्याभिज्ञान ये दोनों ही आपके अमानकीकृत पद के प्रकार हैं ब्लूम ने अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया है ब्लूम ने अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण आपका तीन प्रकारों में किया है कितने तीन प्रकारों में किया है ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को छह वर्गों में बांटा है ब्लूम ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है इन्होंने भावात्मक पक्ष के वर्ग उद्देश्यों को भी छः वर्गों में ही बांटा है ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है तो क्रियात्मक उद्देश्यों को भी इन्होंने छः वर्गों में ही बांटा है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है आर सी ई एम उपागम का विकास किया गया है तो यह क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैशूर के द्वारा किया गया है डिफरेंट क्लास के सिरिए कॉमेंट करके जरूर बताइए और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलती रहेंगी थैंक यू सो मच